हेलो स्टूडेंट, चैप्टर वी हैड कंप्लीटेड आवर चैप्टर 4। एक्सप्लेनेशंस कंप्लीट हो गया था चैप्टर 4 का। मैंने आपको बोला था कि अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्टिविटीज़ कंप्लीट करेंगे, तो आज हम एक्टिविटीज़ कंप्लीट कर देंगे, तो आपका चैप्टर 4 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आपको चैप्टर को रीड करना है, समझना है, और यह एक्टिविटीज़ आपको प्रैक्टिस करनी है और लर्न भी करना है। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या दिया हुआ है? टिक वॉट यू वुड डू टू हेल्प एट होम। टिक करिए जिस जिसमें आप अपने घर में हेल्प करते हो। एंड क्रॉस आउट रॉन्ग वॉट यू वुड नॉट डू। रॉन्ग क्रॉस कर दीजिए जो आप नहीं करते हो। सबसे फर्स्ट में आपको पिक्चर दिख रहा है ये वाला, इसमें क्या है? गेट मदर अ ग्लास ऑफ वाटर। आपकी मम्मी बाहर से आती है तो आप अपनी मम्मी के लिए पानी का ग्लास लेके आ जाते हो, तो इसमें आपको टिक करना है, और नहीं करते हो तो रॉन्ग। वॉक, वैसे ये टिक ही होगा, हमें ऐसा करना चाहिए। हम जब भी कोई घर से बाहर से कोई घर आता है तो उनके लिए पानी का ग्लास लेके जाना चाहिए। वॉक इन विथ मडी शूज़, आपके पैरों में शूज़ में मिट्टी लगी हुई है और आप घर के अंदर आ जाते हो, ये तो गलत बात है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा? रॉन्ग। मडी शूज़ यानी जिस शूज़ में मिट्टी भरी हुई होती है, आप वह लेके अंदर आ जाते हो। फाइंड ग्रैंडमा स्पेक्टिकल्स, अगर दादी का चश्मा नहीं मिलता है तो आप उसको ढूंढने में हेल्प करते हो दादी की, राइट? अच्छी बात है, यस, करनी चाहिए। गिव फादर द न्यूज़पेपर, पापा को न्यूज़पेपर लाके देते हो, यस, अच्छी बात है, करनी चाहिए, तो राइट। लीव टॉयज ऑन द फ्लोर, खेलते वक्त टॉयज को ऐसे ही छोड़ देते हैं, फिर दूसरा काम करने लग जाता है, नहीं, हमें जब टॉयज खेलने के बाद वह जहाँ थे टॉयज उनको वापस वहीं रखना चाहिए, तो यहाँ पे ये गलत बात है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्रॉस। तो पहले वाले में क्या होगा? टिक, राइट होगा, इसमें हो जाएगा रॉन्ग, इसमें हो जाएगा राइट, इसमें हो जाएगा राइट, और इसमें क्या हो जाएगा? रॉन्ग। तो ये वाला आपको समझ में आ गया। फिल इन द ब्लैंक्स, ये बुक में ही करना है बेटा, आपको नोटबुक में नहीं उतारना है। अ डैस फैमिली हैज़ ओनली पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रेन। कैस, जिन परिवार के सिर्फ पेरेंट्स होते हैं और बच्चे होते हैं, तो वो फैमिली कौन सी होती है? मैंने बताया था ना, जिसमें पेरेंट्स और बच्चे होते हैं वो फैमिली होती है स्मॉल फैमिली। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? SMALL, स्मॉल, SMALL, स्मॉल। फिर नेक्स्ट, अ बिग फैमिली इज ऑल्सो कॉल्ड, बड़े परिवार को हम बिग फैमिली भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? जॉइंट फैमिली। क्या बोलते हैं? जॉइंट फैमिली, JOINT, जॉइंट, JOINT, जॉइंट। यहाँ पे क्या आ जाएगा? JOINT, जॉइंट फैमिली। यहाँ पे क्या आ जाएगा? SMALL, स्मॉल फैमिली। डैस आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली, हमारे परिवार के जो मेम्बर्स होते हैं वो हमारा हिस्सा होते हैं, प्लस हमारे जो पेट एनिमल्स होते हैं वह भी हमारे परिवार का हिस्सा होते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? PET, पेट, PET, पेट। नेक्स्ट नंबर 4, मेम्बर्स ऑफ अ फैमिली डैस ईच अदर एंड केयर फॉर ईच अदर। क्या करते हैं मेम्बर्स ऑफ अ फैमिली? हेल्प करते हैं, मदद भी करते हैं और ध्यान भी रखते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? HELP, हेल्प, HELP, हेल्प। वी फील डैश लिविंग इन अ फैमिली, वी फील लव्ड, हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें बहुत प्यार भरा लगता है जब हम परिवार के साथ रहते हैं। तो क्या हो जाएगा? LOVED, लव्ड, LOVED, लव्ड। इसमें क्या आएगा? स्मॉल, SMALL, स्मॉल। इसमें आ जाएगा जॉइंट, JOINT, जॉइंट। इसमें क्या आएगा? PET, पेट, PET, पेट। इसमें क्या आएगा? HELP, हेल्प, HELP, हेल्प। इसमें LOVED, लव, LOVED, लव। अभी आपको यस और नो में बताना है। अ स्मॉल फैमिली इज
कॉल्ड अ जॉइंट फैमिली. छोटे परिवार को हम जॉइंट फैमिली बोलते हैं? नहीं, छोटे परिवार को हम न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं. क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फैमिली. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नो, एन ओ नो, एन ओ नो. वी शुड लव आवर पेट्स. हमें अपने जो घर में जानवर को हम जिनको पालते हैं उनसे हमें प्यार करना चाहिए. यस, तो क्या होगा? वाई ई एस, यस, वाई ई एस, यस. वी शुड नॉट हेल्प आवर पेरेंट्स. हमें हमारे पेरेंट्स की मदद नहीं करनी चाहिए. तो ये क्या बात सही है? नो, ये बात गलत है. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? एन ओ नो, एन ओ नो. फैमिली मेम्बर्स लव इच अदर. जितने भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं वह सब एक दूसरे को दूसरे से प्यार करते हैं. जी हाँ. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यस, वाई ई एस, यस, वाई ई एस, यस. वी शुड स्पेंड टाइम विथ आवर ग्रैंड पेरेंट्स. हमें अपने दादा दादी के साथ समय बिताना चाहिए. वाई ई एस, यस, हाँ, हमें दादा दादी के साथ अपना समय बिताना चाहिए. अपना वर्क कंप्लीट होने के बाद दादा दादी के साथ रहना चाहिए. तो ये यस नो का आपको समझ में आ गया. ये आपकी एक्टिविटीज़ कंप्लीट हो गई है. आप इस एक्टिविटीज़ को पढ़िएगा, देखिएगा, कंप्लीट करिएगा. बुक में ही कंप्लीट करनी है, नोटबुक में नहीं करनी है. और अच्छे से इनको पढ़ना है, रीड करना है और समझना है. वीडियो को आप बार बार देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा. और कैसे फिल करना है मैंने दो दो बार रिपीट करके बता दिया है कि आपको इस वीडियो को, इस एक्टिविटीज़ को कैसे फिल करना है. ठीक है, अब नेक्स्ट हम जाएंगे चैप्टर फिफ्थ में. ये आपका चैप्टर फोर एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है. हम फिर जाएंगे चैप्टर फिफ्थ में. ठीक है, आपको ये बुक में ही लिखना है, नोटबुक में नहीं लिखना है. ओके बेटा, सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.